हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक बड़ी प्रॉब्लम, साथ ही साथ उसका एक बड़ा सॉल्यूशन। अब बड़ी प्रॉब्लम आई कैसे? इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट के अंदर बहुत सारे चाइनीज कंपनीज आ चुकी हैं, जैसे कि शाओमी, पोको, ओप्पो, वीवो, रियलमी। अब ऐसे में अगर आप इन कंपनी में से किसी भी कंपनी का फ़ोन लेते हैं तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है वो ये है कि इन फोन्स के अंदर आपको यूआई के अंदर तरह तरह के स्पैम एड्स दिए जाते हैं, और ऐसे ऐड जो कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग खराब कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ना सिर्फ मैं यहाँ पे रियलमी पोको की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सारे ब्रांड्स कैप्चर करूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं पोको की। पोको और रेडमी का प्रोसेस सेम रहेगा। तो पोको के अंदर या रेडमी के फोन के अंदर सबसे बड़ा ऐड जो आपको मिलता है वो मिलता है अलग अलग तरह के रिकमेंडेशन जो आपको मिलते हैं। उन रिकमेंडेशन को ऑफ करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, फिर जाना है वहाँ पे ऑथराइजेशन एंड रिवोक एक्सेस में, और वहाँ जाके डिसेबल करनी है सर्विस जिसका नाम है MSA। अगले जो एड्स आते हैं Xiaomi के फोन्स में या पोको के फोन्स में, वो आते हैं ब्राउजर के थ्रू, जो कि नोटिफिकेशन में आपको दिखते हैं, ब्राउजर में दिखते हैं। तो ब्राउजर को आपको खोलना है, फिर उसकी सेटिंग्स में आपको जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद एडवांस सेटिंग्स में जाना है, और फिर उसके बाद जो शो एड्स वाला फीचर है उसको डिसेबल कर देना है। और जो एड्स आते हैं वो आते हैं एक एप्लीकेशन जो कि मी वीडियो प्लेयर है। ये बेसिकली डिफॉल्ट वीडियो प्लेयर होता है Xiaomi के फोन्स में, पोको के फोन्स में। यहाँ पे आपको वीडियो पूरा देखने के बाद एड देखने को मिलते हैं। तो उसको डिसेबल करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को खोलना है, फिर इस एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद जो रिकमेंडेशन हैं उसको ऑफ कर देना है। तो ये चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी और उसके बाद आपको ऐड नहीं दिखेंगे वीडियो प्लेयर के अंदर। और ये सब करने के बाद भी अगर आपके Redmi के फोन में या Poco के फोन में ऐड आपको दिखते हैं तो जो जो स्पैम एप्लीकेशन है जो आपको ऐड भेज रही है वो आपको नोटिफिकेशन पैनल में परेशान करेंगी। वहां पे आप उनकी नोटिफिकेशन को लेफ्ट स्लाइड करिए, सेटिंग वाले आइकन पे टैप करिए और उनकी नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दीजिए, कंप्लीटली ब्लॉक कर दीजिए, और उसके बाद वो एप्लीकेशन आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों Realme के फोन और कलर ओएस के फोन में। यहाँ पे भी प्रोसेस सेम है। यहाँ पे मेरे पास है Realme का 6 Pro जो कि लेटेस्ट फोन है, इसमें भी ये एड्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली सेटिंग जो आपको देखनी है वो है सेटिंग्स के अंदर जाना है आपको, फिर एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और वहां पे गेट रिकमेंडेशंस को डिसेबल कर देना है। दोस्तों Realme के फोन्स के अंदर हॉट एप्स और हॉट गेम्स के नाम से दो फोल्डर मिलते हैं, जिनके अंदर अगर आप जाएंगे तो और भी बहुत सारी स्पैम एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी। इनको डिसेबल करने के लिए आपको हॉट एप्स या हॉट गेम्स दोनों में से किसी भी एक आइकन पे टैप एंड होल्ड करना है, फिर सेटिंग्स में जाना है और वहां जाके उसको ऑफ कर देना है ताकि आपको हॉट एप्स और हॉट गेम्स दिखे ही नहीं आपके Realme या Oppo के फोन में। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको Oppo और Realme के फोन में ऐड देखने को मिलते हैं तो जो जो एप्लीकेशंस आपको ऐड भेज रही हैं नोटिफिकेशंस के अंदर, आप उनकी नोटिफिकेशन को लेस स्वाइप करिए, सेटिंग में जाइए और ब्लॉक कर दीजिए उन नोटिफिकेशंस को उस ऐप की तरफ से, और फिर आपके ऐड पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों Realme और Oppo के ब्राउजर जो है उसमें भी आपको ऐड देखने को मिलते हैं। उसके लिए आपको ब्राउजर की सेटिंग में जाना है और वहां पे इस रिकमेंडेशन वाले फीचर को ऑफ कर देना है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, और उसके बाद ब्राउजर की तरफ से फालतू के नोटिफिकेशन और एड्स आपको नहीं आएंगे। और बात करते हैं अब सैमसंग की। अब सैमसंग भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि दूध का धुला हुआ है। सैमसंग के फोन्स में रिलेटिवली आपको एड्स कम देखने को मिलेंगे। हमारे पास सैमसंग का ये लेटेस्ट फोन है जिसका नाम है सैमसंग A71, और इसमें भी आपको ऐड देखने को मिलते हैं। खासतौर से नोटिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि माई गैलेक्सी ऐप जो कि सैमसंग की डिफॉल्ट गैलेक्सी ऐप है उसकी तरफ से आपको ऐड देखने को मिल रहे हैं, और वो चीज़ आप डिसेबल कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। इस तरह से स्लाइड करके सेटिंग में जाके आप इन नोटिफिकेशंस को जो है डिसेबल कर सकते हैं कम्प्लीटली। और इसके अलावा सैमसंग के फ़ोन में जो आपको ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन मिलती हैं वो भी आपको तरह तरह के नोटिफिकेशन देते हैं स्पैम के अंदर, तो उनको आप डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपका डेली हंट है, लाइकी है, इस तरह की एप्लीकेशन जो कि आपको पसंद नहीं है और आप इनको यूज़ नहीं करते हैं, आप इनको अनइंस्टॉल सीधा कर सकते हैं। तो अगेन
थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है इन ऐप से बचना। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके आप अपने 15,000 रुपए के फोन पे वैसा एक्सपीरियंस पा सकते हैं जो कि तकरीबन मिलता है आपको 37,000 रुपीज के फोन में, जैसे कि OnePlus का फोन, या फिर मिलता है 1,00,000 रुपए के फोन में जो कि आता है iPhone, क्योंकि उन फोन्स के अंदर आपको क्लीन यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, फालतू की एप्स नहीं मिलती है और आपका जो डे टू डे यूसेज होता है वो बिल्कुल सॉर्टेड रहता है। वही एप्लीकेशन आपको फोन में दिखती है जो आप खुद इंस्टॉल करते हैं, वो नहीं जो आपके ऊपर जबरदस्ती चेपी जाती हैं, जो जैसा कि इन चाइनीज फोन के अंदर हो रहा है, जो खास तौर से सस्ते फोन आ रहे हैं। तो ऐसे में आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और वीडियोज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।